जय माता दी दोस्तों, एक एस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फेंडी के F6000U की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इसके अंदर हम देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या मिलती है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक पैकेट के अंदर एक रिमोट कंट्रोल मिलती है, दो AAA बैटरीज मिली और आपको यहाँ पे तीन RC2 RC केबल मिले हैं जो कि आप अपने DVD कनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं 5.1 चैनल आउटपुट के लिए। और यहाँ पे एक 2 RCA 2 एक 3.5 mm वायर मिला है जिससे आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर या TV को कनेक्ट कर सकते हैं, LED को कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ हमें एक मैनुअल वारंटी कार्ड मिलता है जो कि 1 साल वारंटी के साथ आती है। अब बात करते हैं इसके सबवूफर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सामने की तरफ आपको यहाँ पे 8 इंच का सबवूफर मिलता है जो कि 57 वाट आ रहा है उसका। और यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रिल्ड की गई है, यहाँ पे आपको ना ही ABS ना ही प्लास्टिक कुछ भी नहीं मिलती है, ये पूरी तरह से ग्रिल्ड की गई है स्टील के मेटल से। और यहाँ पे बीच में आपको FND का लोगो मिलता है बाद बाकी। और यहाँ साइड में देख सकते हो तो यहाँ पे आपको एक ग्लोजी फिनिश दी गई है भी प्लास्टिक की। और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिया गया और यहाँ पे आपको दिखे कुछ लिखा गया है, यहाँ पे आपको लिखा गया 6500 वाट PMPO, बहुत ही कम लिखा गया, बट इसकी जो वाट और टोटल आउटपुट होगी वो आपको करीब 123 वाट RMS की है। और बात करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने की तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे आपको कुछ स्विचेस दी गई जो कि पावर ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पे साउंड दिया गया, यहाँ पे आप PL ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आप दो स्पीकर बजा सकते हैं या 5 स्पीकर बजा सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस दी गई है, मैक्सिमम 60 तक जाएगी आपको। ओके और साइड की तरफ देखे तो यहाँ पे आपको USB का स्लॉट दिया गया, SD कार्ड का स्लॉट दिया गया, यहाँ पे सोर्स की बटन दी गई है और यहाँ पे प्रीवियस है, प्ले पॉज और नेक्स्ट की बटन दी गई है। यहाँ से आप अपने सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ऑक्सिलरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइट्स भी दी गई है, यहाँ पे FM DVD ऑक्सिलरी USB के लिए यहाँ पे लाइट जलेगी और ये देखिए लाइट जल, ऑक्सिलरी इनपुट अभी USB आ गया, अभी आपको FM हो गया और ये DVD इनपुट हो गई। और साइड में यहाँ पे देखे तो यहाँ से एरिया पासिंग की जगह दी गई है। और ये जो होम थिएटर है ऊपर है इसका, वो काफ़ी हैवी है, बहुत ही भारी है। और पीछे की तरफ अगर देखे दोस्तों, पीछे की तरफ देखे तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच मिलता है और यहाँ पे आपको कनेक्शन लगाने के दी गए स्पीकर्स के अपने। और यहाँ पे आपको DVD इनपुट मिलता है और ये ऑक्सिलरी इनपुट मिलता है और ये FM की वायर दी गई है। और इस साइड में आपको कुछ भी नहीं, ये जो पूरा ऊफर है वो पूरा ऊट का बना हुआ, काफी बढ़िया मटेरियल लग रही है इसकी। और ये जो आपको सेंटर के स्पीकर दिख रही है आपको 14 वाट RMS का आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्पीकर्स है वो आपको सामने की तरफ आपको बहुत ही हेवी ग्लोजी फिनिश मिलता है, यहाँ पे आपको बहुत ही ग्लोजी, यहाँ पे 2 स्पीकर लगाए गए सेंटर में और एक ट्विटर की जगह दी गई थी बट यहाँ पर ट्विटर नहीं लगाई गई किसी भी तरह की। और यहाँ पर आपको FND का लोगो मिलती है। और यहाँ पे पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको वॉल माउंट का ऑप्शन दिया गया, सेंटर लिखा गया और ये पूरी ABS की, बट जो ABS क्वालिटी है दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। और नीचे में रबराइज दिया गया और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी हैवी है, ये स्पीकर जितने भी है वो काफ़ी हैवी है। तो आप देखो दोस्तों इसकी जो फ्रंट स्पीकर है वो भी काफ़ी हैवी है और बढ़िया है। यहाँ पे आपको वॉल माउंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सिंगल स्पीकर मिलता है 13 वाट RMS का और यहाँ पे ट्विटर की जगह नहीं दी गई है, ट्विटर नहीं दी गई जगह दी गई है। फ्रंट स्पीकर और रियर स्पीकर ये 13 वाट RMS का आता है और इसके जो दो रियर के वायर्स है वो काफ़ी लंबे हैं और जो सेंटर्स और फ्रंट के हैं वो नॉर्मल है। और अब बात करते हैं इसके रिमोट की, तो आप रिमोट में यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो ऊपर में आपको पावर ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, म्यूट का बटन मिलता है, कुछ नंबरिंग दी गई, सोर्स सिलेक्शन, साउंड दिया गया, साउंड में यहाँ पे आपको 2 स्पीकर बजा सकते हो या 5 स्पीकर बजा सकते हो, स्लिप दिया गया है। ओके यहाँ पे रिसेट है, फोल्डर अप डाउन है, वॉल्यूम प्लस माइनस एंटर का बटन दिया गया है, यहाँ पे स्कैन दिया गया, मेमोरी दिया गया, ट्यूनिंग प्लस माइनस है, चैनल प्लस माइनस है और यहाँ पे प्रीवियस प्ले पॉज नेक्स्ट दिया गया। और यहाँ पे फ्रंट सेंटर रियर और सबवूफर की डेडिकेटेड बटन दी गई है जिससे आप अपने साउंड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, स्पीकर्स के इंडिविजुअली और सबवूफर के बड़ा कमा सकते हो। तो जो मैक्सिमम सबवूफर की रहेगी वो आपको करीब 7 रहेगी और जो मिनिमम होगी वो -7 तक जाएगी। और यहाँ पे रियर के स्पीकर्स आप 7 तक कम या ज्यादा कर सकते हो और उसको माइनस में भी ले जा सकते हो, बाकी सेंटर फ्रंट में भी सेम ही आप -7 मिनिमम है और मैक्सिमम जो होगा वो कुछ 7 होगा। और यहाँ पे 2 AAA बैटरीज लगती है तो मैंने आपको बताई पहले ही। तो दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी साउंड टेस्ट करने वाला हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, जय माता दी।